इस वीडियो विच प्याजे जो कि सब तो ज़्यादा शायद सीडीपी विच तंग करने वाला विषय है ते सब तो वध महत्वपूर्ण है क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म दा फादर ने और वर्ल्ड वाइड इन्हां दी थ्योरी अप्लाई हुंदी है इसलिए इन्हां ते महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिहड़े आ सकते हैं उन्हां दी गल करांगे। ये क्वेश्चन वैसे नहीं करांगे जो पिछला वीडियो सी कि लॉजिकल गैस लॉजिकल स्ट्रैटेजीज लॉजिकल ट्रिक्स ना किद्दां क्वेश्चन नूं सॉल्व करना है वह अप्लाई करन दा अभ्यास भी नाल करांगे। जे वह वीडियो तुसीं नाल देखना चाहुंदे हो लिंक नीचे दित्ता गया है और 5-6 लॉजिकल प्रोबेबिलिटी बेस्ड ट्रिक्स दे नाल तुहाडी संभावना जिहड़ी है राइट आंसर तक पहुंचने दी वध जाएगी। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन है प्याजे ने बच्चियां लई डैश शब्द दी वरतों कीती है। प्याजे है यूज डैश टर्म फॉर चिल्ड्रन। हुण मैं वो लॉजिकल गैस लगाउण दी कोशिश करन लगा हाँ क्योंकि विज्ञानी इकला है तो विज्ञानी शब्द तो विज्ञानियों ले ही वरत्या जाएगा। ये क्वेश्चन इसे लिए पूछा गया होगा कि कुछ ना कुछ एडजेक्टिव या विशेषण बच्चों नूं प्याजे ने दिता होगा तो इसनों सब तो पहला मैं रिजेक्ट करदा। अनुभव शब्द इंपॉर्टेंट है लेकिन अब भी अनुभवी उन्हों कहिंदे आ जो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का संबंध एज नाल है। एज जे वध गई है एक्सपीरियंस वध गया है तो नैचुरली है कि वह बच्चों की गल नहीं करेगा। इस आधार से मैं दूसरा ऑप्शन भी डिलीट कर रहा हाँ। हुण लग रहा है कि क्रिएटिव साइंटिस्ट या लिटिल साइंटिस्ट पर ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन हैं पर राइट आंसर छोटे विज्ञानी या लिटिल साइंटिस्ट उन्होंने यूज किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच स्टूडेंट एज साइंटिस्ट चाइल्ड साइंटिस्ट इस तरह के वर्ड भी वरते गए। नेचुरली है कि वह प्याजे की थ्योरी तो ही प्रभावित होकर नेशनल पॉलिसी विच पाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है प्याजे दा बौद्धात्मक विकास दी थ्योरी डैश ते आधारित। प्याजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाज बेस्ड ऑन मात्रात्मक खोज गुणात्मक खोज लागू खोज कार्रवाई सोच खोज। हुण मैनूं इन्हां विचों कोई ऑप्शन नहीं पता तो मैं सही ऑप्शन ते किवें पहुंचांगा। मैं उस वीडियो विच इक गल दसी सी कि दो ओपोजिट ऑप्शन नूं अटैक करना है प्रोबेबिलिटी उन्हां विच राइट आंसर होण दी ज्यादा होए। इत्थे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एक दूजे दे विरोधी हन। नुकता जे मैं अप्लाई करता हाँ तो इन्हों दोनों विच राइट आंसर पिया है जिदे बेस से मैं इसनों मतलब दूजा ते तीजा ते चौथा ऑप्शन रिजेक्ट कर दिता। इन्हों दो ऑप्शन से मैं जे रीजनिंग करनी है तो मैं ये सोचता हाँ कि प्याजे ने MCQ जिवें MCQ है वो सॉल्व करके राइट एक ऑप्शन मार्क्स की गल की है भी बच्चे के इन्ने मार्क्स होने चाहिए हैं बच्चे की मेजरमेंट होनी चाहिए एवैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए। मैंने इन्ना याद आया है कि प्याजे दे बिने दी इंटेलीजेंस लैब इंटेलीजेंस टेस्टिंग करते सी उन्हां दी लैब विच बिने वाज द फादर ऑफ इंटेलीजेंस टेस्ट ये क्वेश्चन अलग तो आ सकता है। ओ ए इससे ही चीज तो परेशान होए सन कि राइट आंसर लभ्या जांदा है ते उस बच्चे नूं ज्यादा इंटेलीजेंट कहा जांदा है पर प्याजे ने की कीता सी बच्चे नूं ये पुछना शुरू कर दिता बेटा ये राइट आंसर क्यों लगाया जे गलत आंसर लगाया तो क्यों लगाया तो वह जिहड़ा जवाब दिंदा सी वो क्वालिटेटिव हुंदा सी। इस आधार से मैं गुणात्मक खोज नूं टिक कर लिया। जे तुसीं वो वीडियो देखिया हुण जिहड़ा विच मैं ये कहा है कि कुछ आंसर हमेशा ही गलत ते हमेशा ही सही होंदे हैं कुछ वर्ड आइडेंटिफाई किए हैं तो क्वांटिटेटिव उस वीडियो में दस्या है क्वांटिटेटिव हमेशा ही गलत होंदा है। सो उन्होंने सारे नुकत्यां नूं अप्लाई करके देखो असी राइट आंसर तक पहुंच गए हैं गुणात्मक खोज। अगला क्वेश्चन है प्याजे ये भी मानता सी कि सारे मनुखां दीआं दो बुनियादी प्रवृत्तियां होंदियां हन। प्याजे आलसो बिलीव दैट ऑल ह्यूमनस हैव टू बेसिक टेंडेंसी दे आर संगठन ते अनुकूलन संगठन ते संचालन कार्रवाई ते स्कीमा सिमुलेशन ते रहायश देखो गलत ट्रांसलेशन है ऑर्गेनाइजेशन एंड अडेप्टेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑपरेशन एंड स्कीमा सिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैं एलिमिनेशन मेथड हटाने वाली विधि इतने अप्लाई करके देखने लगा हाँ। मैं ये पता है कि अडेप्टेशन दिया दो प्रोसेसेस हैं असिमिलेशन ते अकोमोडेशन तो बेसिक टेंडेंसी नहीं हैं। मैं इसनों पहला डिलीट कर रहा हूँ। स्कीमा का मतलब मैं पता है प्रीवियस या एग्जिस्टिंग नॉलेज इन माइंड है। स्कीमा का मतलब एग्जिस्टिंग माइंड विच पहला तो नॉलेज जी है फॉर एग्जाम्पल एक कुर्सी बारे एक कैमरे बारे मेरे को जी नॉलेज जिनी भी मेरे माइंड पई है वह कैमरे का स्कीमा है। जो बच्चा जमदा है उदो इस तरह का वो मोटर स्कीमा उदो हुंदा है लेकिन कंसेप्चुअल स्कीमा नहीं हुंदा। ऑपरेशन मैनू ये पता है कि ऑपरेशन वो हुंदा है कि जिहड़ा माइंड विच एक्शन असी करदे हां इस दे आधार ते बेसिक टेंडेंसी तो मैं ये कट रहा हाँ क्योंकि ऑपरेशन मैं इत्थे कट्टिया है इत्थे भी ऑपरेशन है इसनों कट रहा हाँ ते राइट आंसर मेरे मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन संगठन ते अनुकूलन इज बेसिक टू टेंडेंसिज जिहड़ियां ह्यूमन डिवेलपमेंट विच कंट्रीब्यूट कर दिया हैं। राइट आंसर इज ऑर्गेनाइजेशन एंड अडेप्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जदों एक सिख्यार्थी अपनी स्कीमा की वरतों करके किसी समस्या का हल कर लेता है तो इसका मतलब है वेन ए लर्नर सॉ
solve the problem by using his or her schema. It refers to assimilation, equilibration, adaptation, accommodation. Simple hai, previous knowledge te new knowledge, nava gyan te purana gyan. Jato purane gyan help karda hai, fit ho janda hai, match karda hai, absorb kar lenda hai, problem nu solve kar lenda hai, samasya da hal kar lenda hai. To odo e assimilation hi hunda hai. Jato purana gyan nave gyan nu absorb nahi kar paunda, jaan solve nahi kar paunda. ਉਦੋਂ ਡਿਸਇਕਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੰਤੁਲਨ ਉਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਇਕਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੀਮਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਫੈਲੋ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੁੰਡ ਹੈ ਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਕੀਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਇਕਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਲੀਪੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਸਕੀਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁੰਡ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਾਈ ਇਹ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਫੈਲੋ ਦੇਖੀ ਸੀ ਬਫੈਲੋ ਵਰਗੀ ਜਿਹਦੇ ਬਫੈਲੋ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਵੀਂ ਬਫੈਲੋ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਫੈਲੋ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਹ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸਮੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਦਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਇਮੇਜਿਨ ਦ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੀਡਿੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੌਜੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਹਨਾ ਤੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਅਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਐਕਟ ਅਪੋਨ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਵਨਸ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਮੀਕਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਰਕਿਕ ਸੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਸਥਾਈ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਸਤੂ ਸਥਾਈ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਇਹ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਹੈ ਜਾਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਪਰੇ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਹੈ ਸੰਵੇਦੀ ਮੋਟਰ ਪੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਪਿਆਜੇ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਕੈਨ ਥਿੰਕ ਲੌਜੀਕਲੀ ਐਟ ਵਿਚ ਸਟੇਜ ਆਫ ਪਿਆਜੇਸ ਥਿਊਰੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਓ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਰਕਿਕ ਲੌਜੀਕ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰਕ ਦੋ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੌਜਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਲੌਜੀਕਲ ਅਤਾਰਕਿਕ ਅਤਾਰਕ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਠੋਸ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੌਜਿਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਟਿਕਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟਿਕ ਦੋ ਸਟਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਵਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਡੈਸ਼ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ
स्टेज इज नोन एज। अजे तक कदे भी क्वेश्चन नहीं आया, इसकी सीधी नॉलेज दे देना हाँ। फॉर्मल ऑपरेशनल मीन हाईएस्ट स्टेज होएगी, एक कंक्रीट उस तो थले होएगी। जिहड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज हुंदी है वह इस मोटर तो आइडेंटिफाई करनी चाहिए है कि एक्शन ओरिएंटेड नॉलेज कार्यशीलता जिहड़ी है, सॉरी इत्थे गलत हो गया, संवेदी मोटर पड़ा इहदे इस स्टेज नूं प्रैक्टिकल नॉलेज स्टेज भी कहा जाता है। प्याजे थ्योरी दा किहड़े पड़ाव विच डिडक्टिव सोच नूं कहा जाता है निगमन। डिडक्टिव डी पहला देखो, डी दा मतलब है वॉवल नहीं है, इंडक्टिव विच वॉवल आंदा है, इंडक्टिव इहदे बिल्कुल उल्ट है। आगमन उधर पंजाबी विच भी आगमन स्वर है, वॉवल है आगमन, और उसका अर्थ भी इथे लिख देना हाँ, इथे इंस्टांस या एग्जाम्पल या उदाहरण। देखो सारे विच वॉवल 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 पहले आते हैं, मतलब कि इंडक्टिव ओ जिच पहला उदाहरण ते फिर परिभाषा या जनरल कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है। डिडक्टिव वो तो उल्ट होएगा। डिडक्टिव की दूजी पहचान के असि हाइपोथिस वर्बल जो शाब्दिक हाइपोथिस दिते जाते उन्हों टेस्ट कर सकते हैं। वर्बल स्टेटमेंट शब्दावली वालिया स्टेटमेंट्स दी वालिया प्रॉब्लम नू हल बच्चा कर सकता है। सो ये सब तो औखा चीज़ हुंदा है। होर इहदा वधिया हिंट है हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, उहदे विच डिडक्टिव शब्द आंदा है ते वो इस स्टेज नू कहा जाता है हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग। इस क्वेश्चन विच चार क्वेश्चन हो गए हैं, सारे तुसी कर सकते हो। सो रस्मी कार्यशीलता दा डिडक्टिव थिंकिंग राइट आंसर यही है। आगमन रीजनिंग प्याजे दी थ्योरी किस पड़ाव विच हुंदी है, सो जिवें कि मैं पहला दस के आया हाँ, ये डिडक्टिव हो गई ओके, इहदे विच नो रीजनिंग हो गई, प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई, नो रीजनिंग है, ये प्री ऑपरेशनल है, इहदे विच भी रीजनिंग नहीं डिवेलप हुई। सो एक ही बचता है जिहदे विच इंडक्टिव रीजनिंग आगमन ठोस पड़ा तीजी अवस्था। जेकर प्याजे दे होर क्वेश्चन तुसी सॉल्व करने हन, सो ए डायग्राम खुद बनाया है मैं। नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज पहली अवस्था का नाम सेंसरी मोटर है, प्रैक्टिकल स्टेज भी इहदा नाम है इंटरनलाइजेशन ऑफ स्कैमा प्यूरी प्याजेज 6 एंड फाइनल मोटर सब स्टेजेज। इहदे विच 6 सब स्टेजेज हन पूछा जा सकता है पहली दे विच। उस तो बाद नॉलेज जिहड़ी है रिप्रेजेंटेशनल बन जाती है, सिर्फ इहदे विच रिप्रेजेंटेशन नहीं हुंदी। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि एक सिंबल है, सिंबल के जरिए असी सीखना शुरू कर देंगे हाँ। सो लैंग्वेज सब तो वड्डा जिहड़ा काम है इहदे विच शुरू हो जाता है, हालांकि 18 महीनों तो डेढ़ साल तो ही शुरू हो जाता है इस दी अद्धी अवस्था विच। सो इसलिए इसनूं रिप्रेजेंटेशनल थॉट या रिप्रेजेंटेशनल स्टेज भी कहा जाता है, रिप्रेजेंटेशनल थॉट कहा जाता है। सो इतने कंक्रीट इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट के जरिए बच्चा सीखता है, फॉर्मल नू हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग एबस्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन थॉट कहा जाता है। जो गल पिछे दस के आया हाँ कि वर्बली हाइपोथेसिस दिते जाते हैं तो बच्चा उसनों टेस्ट कर सकता है, सब तो उच्ची है। साइंटिफिक थिंकिंग 4th स्टेज विच डिवेलप हुंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याजे की थ्यूरी के अनुसार किस उम्र विच वस्तुओं के नाल लॉजिकल संकल्पां नूं सिखाया जा सकता है। लॉजिकल कंसैप्ट्स विद ऑब्जेक्ट्स कैन बी टॉट इन विच एज ऑफ अकॉर्डिंग टू प्याजेज थ्योरी। हुण सानूं पता है कि असी पिछे देख के आए हाँ कि लॉजिक इत्थे डिवेलप हुंदा है, ठीक है, इत्थे प्री लॉजिक है, इत्थे लॉजिक डिवेलप होया है। इहदा मतलब इस स्टेज ते असी लॉजिकल कंसैप्ट विद ऑब्जेक्ट पढ़ा सकते हाँ क्योंकि कंक्रीट है। सो ये शायद असी जानते हाँ, जे नहीं जानते हाँ तो वैसे तो तुसी जानते हो गए, इन्नी वीडियो देखिया होणगियां। ये जिहड़ी 0 to 2 साल है, ये 2 to 7 साल है, और ये 7 to 11 साल है, ये 12 to +साल है ना। सो इत्थे लॉजिक क्योंकि डिवेलप हुंदा है, कंक्रीट है, तो 7 साल तो बाद कंसैप्ट जिहड़े ऑब्जेक्ट्स के नाल पढ़ाए जा सकते हैं। सो 7 साल की है, 7 साल तो बाद तीजा ऑप्शन ठीक होएगा आफ्टर 7 ईयर। प्याजे थ्योरी की आलोचना की गई सी, प्याजे थ्योरी वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर प्याजे दे बोधात्मक विकास ते सभ्याचारक सैटिंग जां समाजिक परस्पर प्रभाव दे प्रभाव नूं, प्रभाव इत्थे अंतर क्रिया है, अंतर क्रिया नूं नहीं देखिया। वैसे तो मैं वैसे ही शक कर रहा हाँ, सब तो लंबी स्टेटमेंट है, इहदे ठीक होण दे ज्यादा चांस है, इत्थे लॉजिक लगाया जाए। लॉजिक जे लगा के देखना है तो मैं ये देखता हाँ कि इहदे विच सभ्याचारक सैटिंग जो कि वैगोस्की ने कहा सी और परस्पर अंतर क्रियावां वैगोस्की ने नहीं किया सी, बाद विच वैगोस्की की थ्योरी वधेरे वधिया शामिल हुई सी क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग अडल्ट्स तो हैल्प लैके सीखना ज़्यादा बेहतर हुंदा है। सो ये ज़्यादा वधिया ऑप्शन है, पर फिर भी मैं दूजियां देखांगा। उसने जैविक
परिपक्वता नूं महत्वपूर्ण महत्व नहीं दिता। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन तुसीं पढ़िया है, लेकिन बायोलॉजिकल मैच्योरेशन नूं उहदा चार फैक्टर विच्चों प्रमुख एक फैक्टर है, पहला फैक्ट। सो ए महत्व दिता है, ऑप्शन ही गलत हो गई। ही डिड नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू मटीरियल एनवायरमेंट। उसने मटीरियल एनवायरमेंट ना इंटरैक्ट, उहदी थ्योरी ही इस ते बेस्ड है। उसकी हर एग्जाम्पल विच लर्नर है और लर्नर किसी मटीरियल ना इंटरैक्ट करता है, इकला खेडता है। वैसे इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी भी उन्हें कहा जाता है, ग्रुप उसने नहीं ऑप्ट किया, इसलिए पहली ऑप्शन सब तो वधिया बन रही है। सो बच्चा एक टॉय नाल खेड रहा है, यही एग्जाम्पल लैके वो सारा स्कीमा सिमुलेशन अकोमोडेशन इक्लिब्रेशन डिसइक्लिब्रेशन सब कुछ संतुलन असंतुलन है ना सब कुछ पढ़ाते हैं। सो ए भी ऑप्शन गलत हो जाती है। लास्ट है, नमूने का आकार बहुत छोटा सी। हाँ, प्याजे ने सिर्फ तीन बच्चे लाए सन, अपने जोड़े बच्चे से उसते ही उन्होंने एक्सपैरीमेंट इंटरव्यू की क्लीनिकल मैथड अपलाई किए, तो सैंपल साइज बेशक छोटा सी लेकिन वो लोंगीट्यूडनल क्योंकि रिसर्च से दैट इज़ वाई ए मेजर प्रभाव क्रिटिसिजम नहीं है, मेजर क्रिटिसिजम यही रहता है। सो दो ऑप्शन सही हो सकती हैं, लेकिन ये वीक है इसलिए असं इन चुनते। शहजाद दूजियां दे नज़रिए नू समझण विच असमर्थ है, प्याजे के अनुसार उस विच है। शहजाद इज अनएबल टू अंडरस्टैंड द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स अकॉर्डिंग टू प्याजे ही इज इन स्टेट ऑफ यथार्थवाद नकलीवाद अहंकार समाजिक तौर पर अपवित्र नहीं इमेच्योर ओके रियलिज्म आर्टिफिशियल ईगोसेंट्रिज्म सोशली इमेच्योर इज द राइट आंसर अहंकार ही है। जो अहंकार तो असं अंदाजा लगा सकते हैं, जो अपने आप को जो अपने आप को बच्चा जो कहता है जो मैं देखता हाँ उ बाकी सब देखते हैं, जो मैं सुनता हाँ उ बाकी सारे सुनते हैं, जिदा मैं वर्ल्ड मैनू लगता है बाकिया भी उस तरह लगता है। सो वह दूसरों के परसपैक्टिव समझ नहीं पाता। इसका महत्वपूर्ण एक्सपैरीमेंट उन्होंने किया थ्री माउंटेन वाला, एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, थ्री माउंटेन एक्सपैरीमेंट इज रिलेटड विद ईगोसेंट्रिसिजम, राइट आंसर इज ईगोसेंट्रिसिजम, तीजा इतने अहंकार है। सो ये प्याजे के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होर वैगास्त की ते इंटेलिजेंस दियां महत्वपूर्ण थ्योरीज जिहड़ियां हन उन्हां ते जां कोई होर भाग तुहानूं तंग करदा है तुसीं कमेंट करके कह सकते हो कि इस ते भी क्वेश्चन दित्ते जाण, उन्हां दी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ते लॉजिकल रीजनिंग अपलाई करके राइट आंसर तक किवें पहुँचना है, लॉजिकल गैस किदां लगाने हन, ट्रिक्स किदां अपलाई करने हन, नाल नाल ये समझाया जाएगा। सो ये एक्सरसाइज तुहाडी जे तुहाडे कोल घट समां सी घट तैयारी हो सकी है ते अपलाई कर सकते हो। उह विद्यार्थी जिहड़े पूरी तरह तैयारी नहीं कर सकते, टेट बेसिक कोर्स है, लर्न टू एक्चुअलाइज विच जाना है, प्लेलिस्ट विच जाओ, उत्थे तुहानूं टेट बेसिक कोर्स है जिहदे विच हमेशा सही आंसर जिहड़े हुंदे हन वर्ड वो पहचान सकते हो, जिन्हां दे हमेशा सही आंसर हुंदे हन वो वर्ड जिहड़े कि हमेशा गलत हुंदे हन, क्योंकि सही आंसर कित्थों पता लगते हैं, जो नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पोजिशन पेपर नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फंडामेंटल थ्योरीज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कंस्ट्रक्टिविज्म इन्हां तों पता लगते हैं। सो तो एक कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करके पिछले पेपर का एनालिसिस किया है, तो तीन वीडियो इस नाल संबंधित होंगे घट तो घट तीन वीडियो, उस तो इलावा लॉजिकल गैस प्रोबेबिलिटी बेस गैस और रैंडम गैस किस तरह लगाने हैं और पेपर विच जो तो बैठना है टैट के पी एस टैट के पेपर विच बैठना है तो किस तरह किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना है, पेपर तो पहला तुहानूं किहड़ियां चीज़ां की जरूरत होगी, ये सारा कुछ इस टैट बेसिक कोर्स विच तुसीं देख सकते हो समझ सकते हो। लर्न टू एक्चुअलाइज डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।